Hey everyone, this is Ritika Sharma and today we are going to start a poem which name is A Tiger in the Zoo. So kids, let's start the poem which name is A Tiger in the Zoo. So as you have read the title, A Tiger in the Zoo, so I think you got to know about the meaning of this title. So basically क्या होता है इस chapter में, इस poem में हम ये पढ़ेंगे कि जो tiger है, tiger कितना जो जू में उसका जो बिहेवियर रहता है वो कितना ही ज़्यादा शांत रहता है, हालांकि उसका जो बिहेवियर है वहाँ के जो विजिटर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शांत रहता है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रहता है, बट अंदर ही अंदर उसके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भरा रहता है. बिकॉज जहाँ पर वो अभी रह रहा है, जू में वो रह रहा है, वो उसका नेचुरल हैबिटेंट नहीं है. मतलब जो नेचुरल जगह पर वो रहता है, जैसे कि फॉरेस्ट, जंगल वगैरह में जहाँ पर भी वो रहता है, तो वो उसकी नेचुरल जगह नहीं है जहाँ पर वो अपना ही खुद का किंग है, राइट? वहाँ पे वो जंगल का किंग कहा जाता है. बट इन द जू वहाँ पे लोग उसको देखने के लिए आते हैं, उसको देख करके उसका मजाक बनाते हैं, उसको चढ़ाते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर इस पोम में हम जो पॉइंट है उन्होंने टाइगर के बारे में बताया है कि टाइगर जू में किस तरह से रहता है और अपने नेचुरल हैबिटेंट में किस तरह से रहता है. ऑलराइट, सो Before starting the poem, which we will have to read this part because this is the important part so that you can understand the poem. So this poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. तो इस poem में जो poet हैं उन्होंने tiger को zoo में plus जो उसका natural habitat है, मतलब कि जो forest है, jungles हैं, उन दोनों से comparison किया है. Contrast means क्या होता है? Comparison. The poem moves From the zoo to jungle. So जो poem है, poem के जो extract हैं, stanzas हैं, वो पहले कहाँ से start होते हैं? Zoo से start होते हैं. मतलब कि पहले जो author हैं, जो poet हैं, वो tiger की condition बताते हैं कि वो zoo में किस तरह से रहता है. Alright, फिर उसके बाद वो बताते हैं कि वो jungle में किस तरह से रहता है. And then back again to the zoo. और फिर से वो जो poem है वो घूम कर वापस zoo में आ जाती है. Read the poem silently once and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. So we will get to know it perfectly that which stanza is saying about that tiger in the that the tiger is in the zoo and which stanza is telling about us that where is tiger? He is in the zoo and whether he is in the zoo or in the jungle. So Let's start the first with the first stanza. He stalks in his vivid strides. Now, what is a stalk? Stalk का मतलब होता है एक particular जगह पर चलते रहना, ठीक है? ऐसा नहीं होता. Walk मतलब क्या होता है? Continue चलते रहना. But stalk का मतलब होता है एक particular जगह पर, एक particular area में चलते रहना. In his vivid strides, अब आपने देखा होगा टाइगर को, टाइगर की जो बॉडी होती है पूरी ब्राउनिश होती है, राइट? बट उसके ऊपर अलग अलग स्ट्राइप्स बने होते हैं. स्ट्राइप्स मीन्स जो ब्लैक ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स बने होते हैं. तो वो अपने विविड स्ट्राइप्स के साथ, मतलब कि अलग अलग स्ट्राइप्स के साथ, वो जो स्ट्राइप्स होते हैं उसकी बॉडी पे, वो अलग अलग शेप्स में बने होते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो यही कहना चाहते हैं कि जो टाइगर है, ही यहाँ पर टाइगर के लिए बोला गया है एंड उसको पर्सोनिफाई किया गया है. बेसिकली ही हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हम ह्यूमन के लिए यूज़ करते हैं एंड हम जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए इट यूज़ करते हैं. बट यहाँ पर टाइगर ने जो टाइगर के जो इमोशंस हैं उनको ह्यूमन इमोशन से जोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने ही वर्ड यूज़ किया उसको पर्सोनिफाई करने के लिए. So he stalks in his vivid strips. वो अपने vivid stripes के साथ वहाँ पर चलता रहता है. The few steps of his cage. वो अपने cage में कुछ ही steps ले पाता है. On paths of velvet quiet. On paths of velvet quiet. Now हमने ये देखा है कि जो tiger के जो paws होते हैं, ठीक है, उसके जो pads होते हैं वो किस तरह के होते हैं? बहुत ही cozy से होते हैं, बहुत soft से होते हैं, right? तो यहाँ पे जो ऑथर है, जो पॉइंट है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने टाइगर के जो पैर हैं, जो पॉज हैं, उनको वेलवेट के पैर जो हैं उनसे कंपैरिजन किया है. बिकॉज उसके जो पैर होते हैं वो वैसे ही होते हैं, जैसे कि मानो उसका जो अपर पार्ट है वो वेलवेट का बना हो और अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है? तो यहाँ पे पॉइंट ने वेलवेट पार्ट्स ऑफ वेलवेट को किससे कहा, किससे कंपैरिजन किया है? टाइगर के पॉज से. सो
He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. So now what does quiet means? Quiet means kya hota hai? Shant. Alright. Rage means kya hota hai? Gussa. So quiet rage मतलब कि शांत गुस्सा ये नहीं होगा. It means वो बाहर से बहुत ही ज़्यादा शांत है और अंदर उसके बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है. Because आपने देखा है कि जो actual में behavior होता है tiger का वो किस तरह का होता है. वो hunt करता है, वो इधर से उधर भागता है, दौड़ता है. But now he is in cage, he can only stalk, he can only take some few steps, but he cannot run, he cannot prey, right? He cannot hunt. So, वो अपने बहुत ही ज़्यादा quiet rage में अपने soft पैरों से, अपने soft जो paws हैं, उनके through उस cage में थोड़े ही steps चल पाता है. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब ये जो फर्स्ट स्टैंजा था, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे? यहाँ पे हम जू की बात कर रहे थे. When the tiger is in the zoo. Now in the second stanza we will talk about when the tiger is in the jungle. Alright, so he should be lurking in shadow. वो शेडो का पीछा कर रहा है. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. वो जो लॉन्ग ग्रास होते हैं, आपने देखा होगा जंगल में बहुत ही जो बुशेज होती हैं वो कितनी बड़ी बड़ी बुशेज होती हैं. तो वो कह रहे हैं, जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि अगर ये जंगल में है तो वो क्या कर रहा है? वो उस शेडो का पीछा कर रहा है. किसके साथ? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. उस लॉन्ग ग्रास के अंदर चलते चलते नियर द वाटर होल, पानी के पास. अब ये जो वाटर होल है वो हम किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे वो किसी भी तरह का वेल हो, ठीक है. तो वो पानी के होल के पास, इट मीन्स पॉन्ड के पास, रिवर के पास, लंबी लंबी घास के अंदर किसी शेडो का पीछा कर रहा है. वे अ प्लम्प डियर पास, जहाँ से वो जो फैटी डियर है वो होकर गुजरता है. मतलब उसकी जो शेडो है वो पूरी नज़र आ रही है. इट मीन्स वो जो टाइगर है उसकी शेडो जो है वो नज़र आ रही है. एंड वो लॉन्ग ग्रास में से स्लाइड कर रहा है, मतलब कि निकल रहा है. तो उसकी जो शेडो बन रही है वो वहाँ पे नज़र आ रही है. नियर द वाटर होल, पानी के तालाब के पास या फिर रिवर के पास. वे आर प्लम्प डियर पासिस, जहाँ से वो जो फैटी डियर है वो होकर गुजरता है. प्लम्प मीन्स क्या होता है? फैटी. ऑल राइट, सो यहाँ पे ये फैटी डियर को क्यों यहाँ पे दिखाया गया है, क्यों डिस्क्राइब किया गया है? इट मीन्स द पॉइंट वॉन्ट्स टू से अस दैट इफ द टाइगर वॉज इन द जंगल ही विल अबाउट टू हंट हिज प्रे. दैट्स वाई ही वॉज वॉकिंग, ही वॉज चेजिंग द डियर वेरी 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 स्लोली नियर द वॉटर होल. एंड वेन ही गॉट द चांस ही जस्ट अटैक ऑन दैट फैटी डियर एंड ईट एंड डेवोर इट. सो नाउ द थर्ड स्टैंजा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. अब क्या होता है, देखो जब उनके जो, अगर हमारा नेचुरल हैबिटेट हटा दिया जाए, फॉर एग्जांपल हमारे घरों को हटा दिया जाए, तो वेयर वी विल गो, हम भी क्या करेंगे? हम एक दूसरे के घर में जाएंगे, राइट? बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं करनी चाहिए बींग अ ह्यूमन, वो हम करने लग जाएंगे. सो नाउ He should be snarling around houses at the jungle's edge. अब क्या हो रहा है, जंगल के किनारे पे जो भी घर बने हुए हैं वो उन घर के आसपास snarling कर रहा है. snarling मतलब क्या होता है? इधर उधर चक्कर काटना. Baring his white fangs. Fangs means क्या होता है? उसके जो teeth होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो sharp teeth होते हैं, उसको कहते हैं bearing fangs, white fangs. तो अब वो क्या कर रहा है? अपने white fangs को, अपने white sharp teeth को वो दिखा रहा है, bear कर रहा है. His claws terrorizing the village. And उसके claws को वो दिखा रहा है, उसके paws को वो दिखा रहा है. And पूरे village को वो terrorize कर रहा है, डरा रहा है. अब देखो क्या होता है. Now the point wants to say that we have cut the forest, we have cut the jungle, we have cut the many trees. Now where the tigers will go? Alright? And when we have cut their natural habitat, when we have cut their home, then they will come around us, they will come at our home and they will terrorize us. Their main motive is terrorizing us.